हरी जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नदिया गहरी नाव पुरानी सरकार, अरे सरकार, कोई भक्त भगवान से कह रहा है, भक्त की प्रार्थना तो सुनिए भगवान से क्या कह रहा है। नदिया गहरी नाव पुरानी ए पीछे भमरे मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत तो। इसी को बोलते भक्ति, इसी को बोलते मुक्ति। यही भगवान की कथा मोक्षदायी जी है। ध्यान दीजिए मेरे भाई बहन, कलयुग में तरने के दो ही साधन तुलसीदास जी ने लिखे पूरी रामचरितमानस में। जिन्होंने रामायण पढ़ी होगी, तुलसीदास जी ने पूरी रामायण के निचोड़ में केवल दो ही बातें बताई है। क्या बोले? कलयुग तरने पाए न कोई, राम भजन रामायण तो। अरे मांस खाने वाले उस कौवा और गीत का उद्धार कर दिया भगवान ने। भगवान धीरे धीरे जब जटाऊ के ना जो पंख कटा पड़ा है, कर सरोज से पर से कृपा सिंध रघुवी, भगवान ने गोदी में उठाया राम राम सीते राम उस जटाऊ को। तब कहे गीत बचन धरे धीरा, सुनऊ राम भजन भव भीरा। राम ने पूछी क्या हुआ? बोले नाथ दसाल ये गति कीनी, के खल जन के सुता हरली। उस दुष्ट ने मेरी हालत कर दी। अच्छा हाँ, कहाँ गया है? बोले दक्षिण दिशा। तो जो क्रिया अपने पिता की नहीं की, वो क्रिया जटाऊ की है भगवान ने। गीत का क्रिया कर्म किया है और वो गीत भगवान के दर्शन पा गए। जरा विचार करो, भागवत में लिखा है वो गजेंद्र नाम के हाथी का जब पैर मगन ने पकड़ लिया, उसने गो कहा, गोविंद तो कहा ही नहीं। भगवान ने दौड़ लगाई, कटीले मार्ग से आ रहा झाड़ी में से दौड़ से सुदर्शन छोड़ उसको बचाया। ऐसे ही भगवान राम ने आप जटायु को गोदी में लिया। देखिए भगवान की प्रभुता, गोदी में लिया भगवान ने जटायु को और हाथ फेरा। ऐसा भगवान देखा? पहला जी कोई भगवान ने गोदी में लेके हाथ फेरा था, ऐसे ही राम अवतार में जटायु को गोदी में लेके हाथ। मांगो तुम क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए सरकार, मैं कितने बड़ा मांस खाने वाला पक्षी, तुष्ट पर आज कितना बड़ा भाग्यवान हूं, श्री हरि के कर कमलों से मेरा कल्याण हो रहा। आगे क्या लिखा है? गीत दे तज धर हरि रूपा, गीत दे तज हरि रूपा, भूषण बहु पट पीते अनुपा, भूषण बहु पट पीते अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारे, श्याम गात विशाल भुज चारे, स्तुति करत नयन हर भारी, स्तुति करत नयन हर भारी। श्री राम जय 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 राम,
रामचंद्र भगवान अमरल भक्ति मांगवर गीत गयो हरिधाम। अमरल अमरल भक्ति यदि मोक्ष भगवान ने क्रिया की, ऐसे श्री राम को छोड़कर हम कहां जाएं। हमें एक बात का बहुत बड़ा दुख है, लोग सनातन धर्म को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। कहीं मत भटको, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, तू तो ले ले हरी को ना, काम तेरो कभी नहीं अटके। क्यों भटकना, कहीं भी मत भटको, गुरु गोविंद को छोड़कर कहीं मत भटको। आप विचार करो कितनी बड़ी गलती की थी रावण ने, लेकिन राम ने उसे भी आखिरी में गोलोक धाम दिया। कंस ने हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, एक से एक बल्लम राक्षस हुए, पर भगवान के नाम से इनको मोक्ष मिल गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसे परमात्मा को छोड़कर हम इधर उधर जाए तो हमसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। कहीं भी नहीं जाना। महाराज दशरथ के संता ने गुरु से प्रार्थना की, मीराबाई को तकलीफ थी गुरु से प्रार्थना की। हे बंदन है गुरुदेव चरण में बंदन, मीरा जी क्या बोली, जो पशु होती तो नहीं रोती, चाहे जिंदगी कैसे गुजरती, पर कंचन है गुरुदेव एकाया कंचन। बस मामला एक कंचन का ही है। आप अगर इस परमात्मा की माया में रहकर उस मायापति को नहीं भूलोगे तो कथा सुनना सार्थक है। कथा तभी फलदायी होगी जब गुरु की कृपा से गोविंद को नहीं छोड़ोगे। आप इस बात को नोट करो, जिन जिन ने भी कष्ट उठाया है, कुंती ने कितना कष्ट उठाया, कुंती का जन्म कहीं विवाह भी ऐसे व्यक्ति से जो पीरिया का मरीज, भर जवानी में कुंती विधवा हो गई, गुरु कृपा से पांच पांच बेटों का पालन किया, लेकिन गोविंद का सहारा नहीं छोड़ा, और आखिरी में पांडवों को विजयश्री मिली। हरिश्चंद्र कितना कष्ट होगा, अगर थोड़ा बहुत, एक तो भगवान करे कोई कष्ट आए नहीं, और थोड़ा बहुत आ भी जाए तो हटना नहीं है, भगवान की शरण में रहना। हमारा निवेदन है, आज की कथा सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे आप। कौन से निष्कर्ष पे, कि जिस जटाओं के पंख काट दिए भगवान ने, पिता की क्रिया नहीं की वो जटाओं की, और अमरल जहां से लौट के नहीं आना पड़ता, साधन धाम मोक्ष कर। ऐसे भगवान को छोड़कर हम भटके, भटकने नहीं है हमको। क्यों, क्योंकि जी की लागी रे लगन भगवान में, बाको दिया रे जले तूफान में। जे की भगवान में लगन लगी उसका दीपक बुझ सकता है। ए दुख में रहो चाहे सुख में रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मैं छोड़ नहीं सकता तुमको, आपके साथ रहूंगा भगवान। आगे भगवान बड़े हैं, सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी के द्वारा हुई, और वो हनुमान जिसकी स्वयं भगवान शंकर ने प्रशंसा की, भवानी है भवानी, क्या बोले, हनुमान सम नहीं बड़े भारी, नहीं को राम चरण हनुमान समय नहीं बड़े भारी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।
एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई गांव शहर होगा होगा कि एक विषय राम का मंदिर ना मिले। ध्यान देना, हनुमान जी की मणि हर गांव में मिलेगी। राम का मंदिर चाहे ना हो, पर हनुमान जी की मणि प्रत्येक गांव शहर सिटी शहर में मिलेगी। क्यों? स्वामी का मंदिर हो ना हो, पर सेवक का मंदिर जरूर हो। सीधा सा अर्थ है, स्वामी बनने की मत सोचो, सेवक बनो। मैं सेवक तुम कृपा करो स्वामी, कृपा करो भरता, एक बात बताओ, आप नीचे बैठे हम ऊपर बैठे, अब आप तो सो भी सकते हो, हम तो इधर उधर भी नहीं कर सकते, बोलो जैसे, क्योंकि आपकी नजर हमारे ऊपर है। अगर हम इधर सो गए तो आपको गुरु जी सोना था तो भाई सो जाते, सोने के लिए थोड़ी बुलाया है। कथा सुना, एक बात। दूसरी बात, हम बैठे हैं चौकी पे, तो जो चौकी पे बैठा है वो है चौकीदार, और जो जमी पे बैठा है वो जमींदार। बताओ जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार? ईमानदारी से बताइयो, पड़ोसी की सौगंध है भाई, बड़ा जमींदार होता है और जो चौकी में बैठा है वो चौकीदार, तो चौकीदार से बड़ा होता है जमींदार। तुम्हारे तो बड़े है, सुनना तो सुनना, नहीं सुनना तो सो भी सकते हो। अब हम तो न सो सकते न रो सकते हैं, बोलो जैसे, क्योंकि हमको कथा सुनानी है। अब आप सबकी नजर इधर ही है, सबकी नजर इधर ही कैमरा लगे हुए है, तो जमींदार से बड़ा छोटा, चौकीदार जमींदार बड़ा। सेवक में सेवक जो होता है ना, वो सेवक होता है, स्वामी पे जवाबदारी होती है। ध्यान देना, घर में जिसके माता पिता होते हैं वह औलाद बड़ी भगवान होती है। हमें क्या फिक्र, पापा तो है ना घर है, लेकिन जब बेटे पे जवाबदारी है, जिसका पिता नहीं होता बेटे पे जवाबदारी है, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो जिस पर माता पिता और गुरु की कृपा है, उसे तो साहब पूछ नहीं क्या है, वो तो पार हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कोई रोक सकता है? पार हो। आप ध्यान रखना, श्री कृष्ण सुदामा को नहीं भूले, द्वारका में सोने की रहकर भी एक साथ दोनों उज्जैन नगरी पड़े, लेकिन श्री कृष्ण सुदामा को नहीं भूले कि मैं सोने की द्वारका में, श्री सुदामा गए तो छाती से लगा। हम लोग तो मित्रता भूल जाते, थोड़ा बहुत धन हो जाए, पद हो जाए, पैसा हो जाए, अगर कोई मित्र चलो मित्र से मिलने चले, बहुत साले हो गई, और तुम्हारा मित्र अगर पैसे वाला हो जाए और आप मिल में जाओ तो शायद नौकर चाकर रोक देंगे, बाहर रहिए। अरे भैया वो मेरा मित्र है, होगा कोई मित्र? वो तो अभी बाहर गए, वो लौटा सकता, लेकिन धन्य श्री कृष्ण की मित्रता, सुदामा को गले लगा ली। किनारे किनारे मत चलना, किनारे छूट जाते हैं, किनारे किनारे मत चलना, किनारे छूट जाते हैं, और जब नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। तुम तो छोड़ भी दोगे, लेकिन कन्हैया ने नहीं छोड़ा, पकड़ सुदामा को गले से लगा लिया।
श्री राम ने केवट को गले से लगा लिया। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम क्यों भटके, क्यों इधर उधर जाएं? हमारी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम भटक जाते हैं। आजकल जो टीवी में ऐसे ऐसे कथावाचक प्रवचन दे रहे हैं, जिनका मैं नाम तो नहीं लूंगा, कहूंगा कि भक्तों को भटका रहे हैं। अरे भैया भटको, कथा सुनो, हम मना नहीं करते, लेकिन जब राम और कृष्ण की चर्चा हो वहीं जाओ, वही सुनो, उसी में रहो, उसी से कल्याण होगा, उसी से मुक्ति होगी, उसी से भक्ति मिलेगी और उसी से राम की कृपा बरसेगी। कोई रोकने वाला कहीं भटको नहीं है? और रोज हाथ जोड़ के बिगर आर्गन पे मेरे साथ गा के बताओ, जो मैंने दूसरे दिन गाया था, आपको याद है? सब लोग हाथ जोड़ो और गाओ मेरे साथ। ठाकुर हम रे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, बोलो ठाकुर हम हैं अवध बिहारी के। अच्छा, हमारी माता गा रहे, भाई लोग सो रहे हैं क्या? कम गा रहे हैं। ठाकुर हम रे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी, ए ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के, ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध। बस एक भजन, और भजन के बाद थोड़ी चर्चा और आरती। सब लोग मेरे भाव साथ गाएं। हरे साबुरे से मिलने का, दोनों हाथ खड़े करके, सब तो संग ही बहाना है। साबुरे से मिलने का जय हो, संग ही बहाना है। Thank you.
सरजुजी की लहरों में, ओ सरजुजी की लहरों में, मेरे श्याम का पसीना ए, ओ सरजुजी की लहरों में, मेरे श्याम का पसीना ए, सावन से मेरे देखा अभी 10 मिनट बाद आरती हो जाएगी, इसके बाद में ऐसा आनंद आपको नहीं आएगा। रास्ते में कोई भजन सुनाएगा? नहीं सुनाएगा ना। आप रास्ते में बैठोगे तो दोनों हाथ ऊंचे करिए सभी भक्तगण और आनंद लीजिए। राघव जी से मिलने का, अरे राघव जी से मिलने का, सत्संग भगवान की हर हर महादेव। भगवान श्री राम पावन कथा है या विश्राम होगी, एक हमारा आपसे निवेदन है। कल इस कथा का विश्राम दिवस, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आज होगी। श्री राम कथा उत्सव सेवा समिति खजुरिया खुर्द की ओर से श्री राम महायज्ञ राम कथा की कल पूर्णाहुति है। समस्त भक्तों से, समस्त प्रेमियों से मातृशक्ति माताएं, जहां तक माइक के माध्यम से आवाज जा रही हो, हम आपसे निवेदन करेंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो लोग नहीं आए वो भी धूमधाम से पधारें। भगवान का प्रसाद वितरण होगा। श्री सीताराम सरकार की प्राण प्रतिष्ठा आज, कल भगवान का राज तिलक होगा, भगवान की कल पूर्णाहुति होगी। इस राम कथा और महायज्ञ का समापन है। आप सादर आमंत्रित हैं, सब पधारे और जो सुनता सार है उसी का बेड़ा पार है। तो हमारा निवेदन है आपसे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल हम कल आप खूब तैयार हो गया ना, कल पर रावण को मारेंगे। बोलो जय श्री राम। अब आज तो नहीं मार रहा, उसे सोने दो, कल मारेंगे। कल राज तिलक करेंगे। आज भगवान सुग्रीव मित्रता, भगवान सुग्रीव के निवास कर रहे हैं, तो भगवान को निवास करने दो। भगवान भी थक गए,
उन्हें भी थोड़ा आराम करने दो, भगवान भी आराम करेंगे, शाम को प्रतिष्ठा होगी भगवान की, सब यजमान सापत्नी सभी लोग भगवान के दर्शन करेंगे, कलश कलशारोहण भी होगा और श्री सीताराम सेवा यहाँ खजूरिया खुर्द में जो सब समिति की ओर से जो भगवान का प्रसाद वितरण यज्ञ कथा का आयोजन चल रहा है उसका षष्ठम दिवस विश्राम की ओर है। हम निवेदन करेंगे आपसे श्री राम कथा महोत्सव मन की व्यथा मिटाने के लिए है। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे सिरवर कर मिट जाती है जीवन की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ऐसी राम कथा का यह विश्राम होगा। मैं निवेदन करूंगा आपसे भगवान श्री सीताराम सरकार जो अयोध्या में पधारे हैं रावण को मारकर, कल भगवान को हम अयोध्या पहुंचाएंगे, श्री राम जी का राज तिलक होगा और कल भगवान का बढ़िया कार्य होगा। ऐसे प्रभु परमात्मा की सुंदर सुंदर लीला का जो वर्णन है, भगवान राम बनकर जो वनवासी राम बने हैं, पहले भगवान वनवासी राम बाद में भगवान बने हैं अवधवासी, पहले वनवासी वन में जाकर भगवान ने सबको दर्शन दिया, भक्ति दी, मोक्ष दिया, कुल भीलों ने दर्शन किया और जो श्रापित पड़े थे उनका उद्धार किया, ऐसी भगवान की श्री राम कथा। क्योंकि हम समय में बंधे हुए हैं, सुबह शाम यज्ञ होता है, बारह सीम कथा का समय है, तो समय के अनुकूल ही मर्यादा में रहते हुए इसी राम कथा को विश्राम, दो मिनट कीर्तन फिर आरती होगी। बोले रामचंद्र भगवान की, भगवान आज मित्रता निभा रहे हैं, विश्राम करने दो भगवान को, दो मिनट भगवान नाम गाएंगे सब लोग, सभी लोग पुष्प रख लेंगे पुष्पांजलि के लिए आखिरी में काम करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम चंद्रमावन सोदा तत्सु सूर्यो अजायता
उत्तराधो यस्य प्राणस्य मुखाद् अग्निरथे जायत।